सरकार समय समय पे महिला दिवस भी मनाती है, बेटी बचाओ जैसे बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर लगाते हैं कि भाई बेटियों को हमें ये समर्पित है। क्या रियल में जो बेटी सुरक्षित है या नहीं? मुझे तो सबसे पहले इस स्लोगन से ही दिक्कत है कि बेटी बचाओ, क्यों बेटी को बचाने की ज़रूरत पड़ रही है? ये सवाल हमें सरकार से नहीं, हमें खुद से करना चाहिए कि क्यों हम बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, कि सरकार को ये मुहिम चलानी पड़ रही है कि बेटी को बचाओ। तो हमें बेटी को सहेज कर रखना चाहिए और उसे नई उड़ान देनी चाहिए, उसके हौसलों पर यकीन करना चाहिए। और सरकार जो भी प्लान चला रही है वो सिर्फ फाइलों में रजिस्टर होकर ही रह जाते हैं। अगर असल में बदलाव करना है तो बदलाव हमें खुद से, अपनी बहन बेटियों से शुरू करना होगा। समय रहते अगर प्रशासन या उस पर बड़ा कदम नहीं उठाया तो अपन लोगों का क्या रहेगा जो हम बदलाव ले सके सरकार के बिना? देखिए, सरकार सिर्फ एक जरिया है कि वो उन इलाकों में जागरूकता फैला सके जहाँ पर लड़कियों को लेकर के बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। बाकी सबसे पहला कदम हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। ना कोई सरकार इसमें कुछ कर सकती है, ना कोई प्रशासन इसमें कुछ कर सकता है। जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। कुछ परिवार ऐसे है जो समाज से परेशान है और वो कहते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे तो समाज हमें हुक्का पानी बंद कर देंगे। देखिए, समाज किससे बनता है? समाज हम लोगों से बनता है। हमारी सोच जो होती है, हमारी जो सोच होती है समाज उससे बनता है। तो आज हम एक परिवर्तन लाएंगे, एक नयापन लाएंगे, एक नवाचार लाएंगे तो धीरे धीरे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसी नवाचार पर चलेंगी। और ये डर हमें मिटाना होगा कि ये हमें देखेगा, हम ये कर रहे हैं तो कोई क्या सोचेगा। इसको बिल्कुल मिटाना है। वो करिए जो आपको खुशी दे, और आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, क्योंकि समाज हमसे बनता है, ना कि समाज से हम। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भाड़े रहो जालोटी मारवाड़ी न्यूज। जीव जीव धन आवरिया नवा नवा जीव जीव परिवर्तन वेडियो। क्योंकि सब लोगों ने था है कि डिजिटल इंडिया देश बदले तो ऑपरेटिव बहन बेटियों भी बदलना बहुत जरूरी है। हमें परिवर्तन एरो परिवर्तन आयु का लड़का और लड़की ने माए फर्क नहीं रखना है। क्योंकि 20 रुपया 100 रुपया और 10 रुपया 100 रुपया वो एरो फर्क भी नहीं रखना है। 20 रुपया वणीन भी देना और 20 रुपया वणीन भी परिवार की मेंबर जितना भी जुड़ी आना की बात करो कि वो सबका है। आप लोग आते कार्यक्रम वगैरह हुई हो और बेटी ने जो देखी है बाद में क्या महसूस हुई है? अपन महसूस हुई, खुशी महसूस हुई है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रह रही है। नहीं, बेटी में वास्तव में फर्क नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सब पायलट वगैरह सब है। आज लड़कियों भी है तो बनोली भी निकाल ली। लड़कियों बहुत जरूरी है, निकाले रही है। नहीं, वेणु से जेड़ू ने खूब अच्छू है कि परिवर्तन दे रही है ना लड़कियों वास्ते, तो खूब लड़कियों का सपोर्ट दे रही हो। एक चीज आ बताओ, ओपे जो छोरियन हो चो के छोरियन होते क्या करना का तो बीजो घरे जाइन पन्ना आवड़ी ओपे घणु ढकलू हो सो तो अणी ले हमें मनकोर में क्या परिवर्तन आवी? मेंटेलिटी चेंज हुई है मनकोरी के लड़कियों लड़कियां लड़कियों लड़का बराबर वे वास्तव में बराबर है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों माँ बाप वाली परेशानी समझे ने एक लड़की अतरी अर्जेंट फीलिंग समझे आके लड़की ने लड़की वाली आज प्रोग्रेस में लड़कियों भी लड़का बराबर है। कई मनक भरगी जाए कि भाई घोड़ा माते बैठ जाए मन गोम वाला बान पाखाड़ी। हाँ। कोई लोग कह घोड़ा माते बैठा बाद में मन मनक नहीं बोलावे। हाँ। वनी लेन कई डर सकते हो लेकिन वनन का संदेश दियो। नो संदेश दो कि घोड़ा माते लड़की भी हो कि लड़को भी हो, घोड़ो नहीं कहते तो क्या लड़की है ना लड़को है। घोड़ो तो एक ही से है कि वनडे सवार माते बहनों सही है, वो लड़की हो के लड़को हो वन कोई कंती फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में भी बेटी रहो या बेटा रहो बार विवाह है कोई? ना हमारी अलावा बेटी तो नहीं है जब तक, तो हमें बस हुआ है तके फिर हुआ तो 2 महीनों पहला। और माँ बेटी छोटी है, 14 साल रही है। बिल्कुल कि भाई शिक्षा रमाई भी बड़ो वेडियो परिवर्तन। अब एक शादी रमाए शादी रमा आशी देगी कि ओपे बेटो री तो बारात घनी धूमधाम थी मनाओ। ओपरो लाड़को दीकरो ओपे बेटा री बारात अती भयंकर लिखावड़ो अतो हेवी कार्यक्रम करो कि ओपरे बेटा रो विवाह और हमें जो इसी देखिए वंटी थापड़ियो। अब जो परिवर्तन हो रहा है मैं चाहती हूँ कि अभी आगे भी ऐसा ही चलता रहे, जिससे मम्मी पापा जिससे सबके घर में कुछ घर में ऐसा होता है गांव गांव में कि बेटों के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी यहां से मैं यही चाहूँगी वो लोग ये सीखे कि लड़कियों की भी बारात निकले बंदोली निकले और कोई भी फ़र्क ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और हर बेटी को इसी तरह से स्पेशल फील होना चाहिए जैसे आज मुझे हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। बदलाव वेडियो अनिलन का कहना चाहो? और बदलाव वेडियो मैंने बहुत खुशी है जो गांव गांव में अड़ा जो लोग है रूढ़ीवादी जो लोग लड़कियों ने बहुत यू पढ़ावता नहीं या फिर बंदोली के बस घर रमाइस निकले जो शादी वगैरह है बहुत कम, बिल्कुल भी उन्हें स्पेशल फील नहीं करावता। बस मारे माती वे लोग बंदोली थी ही के माराती ही के बस आगे बहुत ही अच्छी तरह थी लोग लड़कियों खुश करें भेजो उन्हें स्पेशल फील कराओ लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं करो बस